कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनकेनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है, और जिसे भगवान का भरोसा है वह। थोड़ी सी हानि हुई अब जीना क्या, पराजय हो गई अब जीना क्या, दुख आ गया जीना क्या, फसल नष्ट हो गई जीना क्या, परीक्षा में फेल हो गए जीना क्या, धंधा चौपट हो गया जीना, यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है, इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी। कोई अपना नहीं दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं, तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। भगवान का भरोसा और भगवान के आश्रय कोई कमी नहीं, बस चाह मत करो, चुप रहो, देखते रहो, हर व्यवस्था हो जाएगी, हर बात बन जाएगी। मस्त रहो, ए गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो कि शरण में हो, और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो, मिटा नहीं सकते। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। एक बार मंदिर न जाओ चलेगा, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को अगर आपने ठुकरा दिया, उनको कष्ट दिया, और मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाओगे तो भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। अपने बूढ़े माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए। देखो समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या, अगर ज्ञान में जग गए तो फिर मोह में क्या सोना, अगर समझ गए तो फिर क्या रोना।